हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूँगी जो है हिमालय फेस पैक, केसर फेस पैक है ये, फेयरनेस फेस पैक है ये। बहुत ही अच्छा फेस पैक है ये, हर्बल है। आपको सभी को पता होगा कि ये हर्बल प्रोडक्ट है तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये मेरे पास 50 ग्राम की क्वांटिटी वाला है, इसमें 100 ग्राम की क्वांटिटी वाला आता है, लेकिन मैंने ये छोटा वाला ही ख़रीदा था क्योंकि मुझे ये समर्स में लगाने के लिए बेस्ट लगता है। और इसमें केसर है तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये क्या कहते हैं कि फेयरनेस केसर फेस पैक है, केसर टर्मरिक, और टर्मरिक भी है इसमें, तो टर्मरिक से आपके जो जितने भी पिंपल्स के निशान होंगे वो भी, बैक्टीरिया जो होगी उसमें वो भी दूर करेगा, और इससे फेयरनेस भी आएगी टर्मरिक से। और केसर से तो आपके फेयरनेस ग्लो आएगा ही, और क्लींस करता है, लाइटनर करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्लींस करता है क्योंकि इसमें केसर और जो इसमें कायोलिन डला हुआ है, मुल्तानी मिट्टी जैसा ही होता है कायोलिन, वो मिट्टी की तरह ही होता है, और लेकिन उससे और ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी से कहीं बेहतर होता है वो, तो इसलिए इसमें कायोलिन का यूज़ किया हुआ है, तो इसमें वो डला हुआ है, तो उससे इस आपकी जो स्किन है वो लाइटन अप होगी और क्लीन होगी और लाइटन अप होगी इससे, क्योंकि इसमें टर्मरिक है तो, और ये प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि इसमें टर्मरिक है, और लाइटन करेगा क्योंकि इसमें केसर है, ठीक है ना। और ये है कि इसमें ये इस तरह से ये खुलता है, ये टक करके बंद होता है, तो आप ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप इसको बाहर भी ले जा सकते हैं, आप चाहें तो कहीं भी ले जा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, इसमें से निकलेगा नहीं, और ये इसकी क्वांटिटी, और ये आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे पर्पल पर ले लीजिए या अमेजोन पर या नायका पर या फ्लिपकार्ट पर, कहीं से भी किसी भी ऑनलाइन शॉप से आपको ये मिल जाएगा। परचेज लिंक मैं आपको अगर आप चाहें तो प्रोवाइड कर दूँगी, नहीं तो आप जब भी इस वेबसाइट को जो भी टाइप करते हैं, आजकल तो सभी लोग ये ऑनलाइन से ही शॉपिंग करते हैं, तो आप देखेंगे, आप डालेंगे हिमालय फेस पैक तो उसमें आ जाएगा, तो इसलिए वहीं से आप इसको ले सकते हो। और ये हुआ था, मैन्युफैक्चर हुआ था ये 318 का है ये, और ये इसकी सेल्फ लाइफ है आपको 2 फरवरी का है ये, 21 को ये एक्सपायर डेट है। तो ये चलिए इसको देख लेते हैं, इसको लगाना कैसे है। ये मैं थोड़ा दूसरी टाइप से भी लगाऊंगी, डिफरेंट तरीके से लगाना प्रेफर करती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ड्राई स्किन है, लेकिन ड्राई की वजह से मैं ग्लिसरीन वगैरह सब कुछ है कि आपकी ऑल स्किन टाइप इसको सूट हो जाएगा, ऑल स्किन टाइप वालों को, सभी को ये सूट करेगा, ये सभी लोग इसको लगा सकते हो। आप इसको आराम से लगाइए, नॉर्मल टू ड्राई हर स्किन वालों को ये सूट कर जाएगा। और फेयरनेस के लिए केसर तो बहुत ही अच्छा है, इसमें वॉलनट है तो इसमें स्क्रबिंग जब आप करेंगे, वॉलनट मतलब अखरोट है इसमें, तो जब स्क्रबिंग करेंगे आप तो आपकी स्क्रबिंग भी होगी और डलनेस भी दूर हो जाएगी। ग्लिसरिन है इसमें, और केसर और टर्मरिक तो है ही, तो आप इसको यूज़ कीजिए। चलिए देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, मैं अभी अपने फेस को क्लीन करूँगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगी हुई है मेरे फेस पर, तो मैं सबसे पहले क्लीन करने के लिए ये मिल्क, रॉ मिल्क है ये, मैं इसके साथ क्लीन अप कर लूँगी अपने फेस को, और 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही मैं ये अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो वॉश भी कर सकते हो, और आप चाहें तो क्लीन अप भी कर सकते हो मिल्क के साथ, और फिर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो फिर से वॉश कर सकते हो पानी के साथ। इस तरह से मैंने क्लीन अप कर लिया है, अब मैं थोड़ी देर 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरा फेस
ड्राई हो गया है। अब मैं फेस पैक लगाऊंगी। ये फेस पैक इतना अच्छा है कि आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, और अगर आप तामझाम नहीं करना चाहते हैं कि फेस पैक कौन बनाए और जल्दी में है, तो आपके पास ये होना ही चाहिए इस तरह के फेस पैक्स वगैरह। तो ये मैं एक बाउल में इसको निकाल ले रही हूँ, मुझे थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाना है, क्योंकि बस इतना ही निकालूंगी मैं, नहीं हो जाएगा मेरे फेस पर। और मेरे पास एसेंशियल ऑयल पड़ा है तो मैं इसको भी डाल ले रही हूँ, क्योंकि समर्स में मुझे ये एसेंशियल ऑयल के साथ लगाती हूँ तो और अच्छा ग्लो आ जाता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। जो भी एसेंशियल ऑयल रहता है तो मैं वो लगा लेती हूँ। मेरे पास ये लेमन का है तो मैं लेमन का लगा रही हूँ। आपके पास ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डालें, पर मेरे पास है तो मैं ये यूज़ कर ले रही हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है तो। इस तरह से मिक्स कर लूंगी अच्छे से। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं क्योंकि ये ऑयल है और इसमें मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि ना मिला पाए। आप कॉलेज गोइंग है तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि इतना मिक्स तामझाम करना है और फिर यूज करना है, आप इस तरह से ही लगा लीजिए। देखिए मैंने मिक्स कर लिया, मैं लगा रही हूँ। इजीली ब्लेंड हो जाता है ये, देखिए आराम से लग जाएगा। मेरे कुछ वीडियो थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूँ, इसलिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे कोशिश में यही करती हूँ कि मेरा वीडियो इतना लेंदी ना हो, थोड़ा बहुत भी बस थोड़ा में ही आपको समझ में आ जाए। लेकिन मैं सोचती हूँ शायद आप नहीं जानते हो तो अच्छे से समझा दूँ। कोई कोई नया होता है तो वो नहीं जानते हैं कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है, क्योंकि गर्ल्स होती हैं तो वो जानती नहीं है, तो गर्ल्स को थोड़ा सा डीपली थोड़ा बताना पड़ता है, इसलिए मैं उनको अच्छे से बताना चाहती हूँ। वो चाहती है कि मैं पढ़ने में भी सही रहूँ और मेरा फेस और मेरा सब पूरा बॉडी जो है वो भी अच्छे से क्लीन अप रहे, ठीक ठाक रहे, साफ सुथरा, इसलिए मैं सब अच्छे से ही बताना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। आप लोग मुझे मैसेज नहीं करते हो, मुझे मैसेज करके प्लीज़ बताइए कि मैं किस तरह के और वीडियो बनाऊं, कमेंट करके तो बताइए। लाइक भी आप लोग कम करते हो, बस वीडियो देखा और स्किप कर देते हैं आप लोग और बस चले जाते हैं। लाइक करिए, ये सब फ्री होता है तो आप ये लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही सकते हो। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं तो उनका तो पहले हो चुका है, वो लोग इसी तरह से आगे बढ़े हैं, तो अब जब उन लोगों का हो गया तो फिर दूसरों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। ये मैं नहीं कहती, ये नहीं कहती हूँ मैं कि आप उनका ना देखें, उनका भी देखिए, लेकिन जो नए हैं तो उनको भी थोड़ा सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से आपको लगा लेना है। अब मैं 10 से 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूंगी, ऐसे रब करके वॉश कर लूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने धो लिया है फेस को, फेस वॉश मैंने कर लिया पानी के साथ, और देखिए मैंने ग्लो, देखिए आप ये देखिए कितना शाइनी हो जाता है फेस, और बिल्कुल साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, एकदम क्लियर हो गया है।
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं अब। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ एक लाइक करिए और मुझे मोटिवेशन कीजिए कि मैं और भी वीडियोस बनाऊँ और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फैमिली फ्रेंड्स में और सभी के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए आए हैं मेरा वीडियो नए देख रहे हैं, चैनल न्यू खोले हैं तो वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और भी जो मेरे वीडियोस हैं उनको देखिए। और भी मैंने बहुत सारे फेस पर फेस पैक बनाए हैं फेस के लिए और भी और बॉडी के लिए बनाए हैं, तो आप उनको देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपके पास मेरे और नए वीडियोज़ में अपलोड करूँगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड्स, बाय।